हेलो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय साइंस पीरियड लास्ट पीरियड आई कैन स्टार्ट द टेन चैप्टर सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस ओके देन आई कैन एक्सप्लेन थिंक एंड डिस्कस इट आउट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस ओके मतलब सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस को मैंने लास्ट पीरियड में एक्सप्लेन किया था आज हम देखने वाले हैं सोलिबिलिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस मतलब सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस ये किस तरीके से सॉलिबिलिटी uh, है डिसोल्विंग सॉलिड्स इन लिक्विड अभी डिसोल्विंग सॉलिड्स इन लिक्विड मतलब वाटर हम यहाँ पे बात करेंगे व्हेन यू एडेड शुगर इन टू वॉटर वॉट एप्पन यहाँ पर देखिए कि जब हम शुगर को पानी में डालते हैं चीनी को पानी में डालते हैं शक्कर को पानी में डालते हैं तो क्या होता है ओके इट ब्रेक्स अप इंटू टीनी पार्टिकल्स एंड डिसपेयर्स इन द वाटर मतलब चीनी के जो पार्टिकल्स हैं, ये सभी उसके जो कण होते हैं चीनी के ये सभी उस वाटर में घुल जाते हैं ओके डिसअपेयर्स इन द वाटर द सुगर मोलिक्यूल्स फिल फिल अप द स्पेसेस बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड एंड मेक द वाटर स्वीट मतलब उस चीनी के सभी जो कण हैं सभी जो अणु होते हैं ये वहाँ पे सब घुल जाते हैं और घुलने के बाद वाटर जो होता है वो आपका स्वीट होता है ओके वो मीठा पानी बन जाता है वी कॉल अ सिरप उसे आप सिरप कहते हैं लाइक शुगर एनी सॉलिड मैटर विच डिस इन अ लिक्विड इट इज कॉल्ड अ सोल्यूट मतलब वो एक विलय है सोल्यूट मतलब विलय मतलब चीनी को आप अगर पानी में डालोगे तो वो घुल जाएगा और एक स्वीट वाटर उसका बन जाएगा दिस इज सोल्युट द लिक्विड इन टू विच द सोल्यूट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड अ सोलेंट उसे विलय कहा जाता है ओके okay, उसे विलय कहा जाता है द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द सोलिट एंड सोलवेंट इज कॉल्ड अ सोल्यूशन और ये सोल्यूशन है जैसे आप पानी में शुगर को डालोगे ओके तो सबसे पहले देखिए कि डिसोल्व लिक्विड इट इज़ कॉल्ड अ सोल्यूट ये जो यहाँ पे बन गया है यहाँ पे मतलब चीनी जो है ये चीनी पानी में घुलनशील है घुल जाएगी सो विलय एंड सोल्यूट सो दिस इज शुगर प्लस वाटर शुगर क्या हुआ सोल्युट एंड सोलवेंट क्या है वाटर मतलब ये विलयक है मतलब सूगर को ये वहाँ पे विलय करेगा विलय एंड विलायक विलय 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 एंड सोल्यूशन उसका इन दोनों का सोलूशन क्या होगा स्वीट वाटर मतलब पानी में जब हम शुगर डालेंगे तो वो स्वीट वाटर में यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा ओके दिस इज सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस तो हम सबसे पहले देख ले देख रहे डिसॉल्विंग डिसोल्विंग सॉलिड्स इन अ लिक्विड ओके एक्टिविटी टेक सम वाटर इन अ बीकर बीकर में आप आ, कुछ वाटर ले सकते हैं मार्क द वाटर लेवल बाय पासिंग अ स्ट्रिप ऑफ पेपर आउटसाइड द बीकर Add 3 teaspoons of sugar to the water and stir well, well. What happens to the water level in the beaker? So it remains the same. The above activity shows that the volume of the solution remains almost the same as the volume of the solvent. This is because sugar does not take up any extra spaces, its molecules only fill up the एम टी स्पेसिस बिटवीन द मोलिकुल्स ऑफ वाटर मतलब एक एक्टिविटी जो दी गई है कि बीकर में हमने थोड़ा सा पानी लिया है उसके बाद आपने मार्क किया है कि लेवल बाय पास्टिंग पास्ट स्ट्रिप पेपर आउटसाइड द बीकर मतलब बीकर के आउटसाइड में आपने एक स्ट्रिप लगाई है कि वाटर की लेवल क्या है और वहाँ पे आपने ऐड थ्री टी ऑफ सुगर ओके थ्री टी स्पून ऑफ शुगर आपने वहाँ पे एंटर की है एंड स्टिर वेल वाट हैपन्स टू द वाटर लेवल इन द बीकर मतलब बीकर में जो वाटर है उसकी लेवल किस तरीके से होगी फिर सो रिमेंस द सेम द अबाव एक्टिविटी शोज दैट द वैल्यूम ऑफ द सोल्यूशन रिमेंस ऑलमोस्ट द सेम मतलब उस वाटर का जो वैल्यूम रहेगा जो आपने स्ट्रिप लगाई है क्योंकि ये जो शुगर है शुगर विलय है ये घुलनशील है तो ये घुल जाएगी मतलब एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर नहीं लेगी सो वैल्यूम एक्टिविटी शोज दैट द वैल्यूम ऑफ द सोल्यूशन रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम एज द वैल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट मतलब जो आपका सॉल्वेंट है उसका वैल्यूम मतलब वाटर का जो वैल्यूम है वो सेम रहेगा दिस इज बिकॉज शुगर डज नॉट टेक अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस मतलब शुगर यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगी लेकिन उसी बीकर में आप अगर कोई पत्थर डालोगे तो पत्थर घुलनशील नहीं होता है तो वाटर का वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा ओके okay? क्यों क्यों क्योंकि यहां पे पत्थर जो आप डालोगे वो एक्स्ट्रा स्पेस लेगा क्योंकि वो घुलनशील नहीं है इट्स मोलिक्यूल्स ओनली फिल अप द एम्प्टी स्पेसेस मतलब पानी में जितनी एम्प्टी स्पेसेस है वो एम्टी स्पेसिस को फिल